लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ईवीएम को लेकर कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को शंका का समाधान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने पीआईएल दाखिल करके इसकी मांग भी की थी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए थे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बताया कि वोटिंग के 10-12 दिन के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। ये देश की हर राजनीतिक पार्टी के लिए चिंता का विषय है। मशीनें जमा होने के 24 घंटे में फाइनल वोट परसेंटेज आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, ईवीएम पे सवाल विधानसभा चुनाव में भी आई, ये हम नहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार कह रहे हैं। इसके लिए पीआईएल दर्ज भी हुआ और जिस तरह से रिजल्ट आने के बाद वोटिंग होने के बाद 10-12 दिन के बाद अब परसेंटेज बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं देश के सभी लोगों के लिए, सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग को अगर वोटिंग के बाद अगर मशीनें जमा होने के बाद उनको तत्काल 24 घंटे के अंदर अपना परसेंटेज क्लियर करना चाहिए, ना कि 10-12 दिन बाद क्लियर करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं शंका का विषय है, इस पर स्पष्ट चुनाव आयोग को करना चाहिए।